दिवाली के मौके पर मैं आपके लिए लाई हूँ मूंग के दाल के हलवे की रेसिपी। इस हलवे को सर्दियों में खाने के तो अलग ही मजे हैं। राजस्थान में ये काफी फेमस है और इंडिया की मोस्टली शादियों में आपको एज अ स्वीट डिश ये जरूर मिलेगी। वैसे तो ये हलवा मूंग की दाल को काफी देर भिगो के बनता है, लेकिन जो आज मैं रेसिपी आपके लिए लाई हूँ उसमें बिना भिगोए हलवा 30 से 40 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, दूध, मूंग की दाल, सूजी, ड्राई फ्रूट्स और घी। इन सबका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सबसे पहले एक छलनी यूज करके हम दाल को अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। दाल को तब तक धोएंगे जब तक उसमें से सारी गंदगी नहीं निकल जाती और धोते हुए पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। अब इस धुली हुई दाल को हम कपड़े पे निकाल लेंगे और दाल में से जितना पानी निकल सकता है उसको कपड़े की हेल्प से हम सोख लेंगे। अब इस दाल को हमें कढ़ाई में बिना घी के भूनना है जिससे दाल में जितना भी बचा हुआ मॉइस्चर है वो निकल जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद दाल खड़ी खड़ी सी हो जाएगी और उसका पानी सूखने लग जाएगा। बस हम दाल को हल्का लाल होने तक लो फ्लेम पर ही भूनेंगे जिसमें हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। फिर बस इस दाल को हम एक ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल ऐसा दानेदार सा हमें इसे पीस लेना है। अब कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी करके हमें लो फ्लेम पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स को पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे और उतनी देर में वो हल्के से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। बस फिर हम इन्हें एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब करनी है हमें हलवे की बुनाई। तो कढ़ाई में लेंगे हम 1/2 कप घी। घी गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी और दाल जो हमने भूनकर पीस ली थी। दाल को हमने हल्का लाल होने तक तो पहले ही भून लिया था। अब हम उसको घी और सूजी के साथ भी अच्छे से 7 से 8 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ घी भी डाल देंगे। मूंग की दाल के हलवे का फ्लेवर बिल्कुल हलवाई जैसा तभी आएगा जब वो घी में बहुत अच्छे से भुनी हुई होगी। तो 7 से 8 मिनट हमने इस दाल को अच्छे से चलाकर भून लिया है। इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आने लगे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध को लो फ्लेम पर ही हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 4 टेबलस्पून, और इसको चला के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब दूध और पानी डालने के बाद हलवा एकदम से गाढ़ा होने लगेगा और थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकने भी लगेगा। तो बस 3 से 4 मिनट इसको दूध में पका के हम इसमें डाल देंगे चीनी। बस अब चीनी को अच्छे से मिलाकर हमें हलवे को बहुत देर तक भूनना है। करीब 15 मिनट तो हम हलवे को अच्छे से भूनेंगे ही, इससे उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल वैसा जैसे बाजार में हलवाई बनाते हैं। थोड़ी देर चलाने के बाद आप देखेंगे हलवे का कलर स्टार्टिंग में तो व्हाइट था लेकिन भुनने के बाद वो डार्क होने लगा है। भुनते भुनते हलवा अच्छे से गाढ़ा भी होने लगेगा। फिर एक स्टेज आएगी जब हलवा घी छोड़ने लगेगा और कढ़ाई से बिल्कुल नहीं चिपकेगा। बस यही साइन होता है कि हमारा हलवा ऑलमोस्ट बन चुका है। तो हलवा अच्छे से बुनकर रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और गर्मा गर्म बिल्कुल हलवाई जैसा मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार है। तो दिवाली के मौके पे या ठंड के मौसम में आप इस मूंग के दाल के हलवे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द रेसिपी देन गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेसिपी अपडेट्स। थैंक यू।